दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अभी तक खेले गए दोनों टेस्ट मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम ने जब से भारतीय सरजमीं पर कदम रखा है उसे निराशा के सिवाय कुछ और नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलिया को दोनों टेस्ट मैच में करारी हार मिली है। उनके कई खिलाड़ी चोटिल होकर वतन वापस लौट चुके हैं। पैट कमिंस ने भी तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम का साथ छोड़ दिया है। रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए काल साबित हुए हैं। इस सीरीज में रविंद्र जडेजा ने काफी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। इंदौर टेस्ट में रविंद्र जडेजा एक रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में रविंद्र जडेजा अब तक 499 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और तीसरे टेस्ट के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट पूरे कर सकते हैं। उन्हें इस उपलब्धि को अपने नाम करने के लिए केवल एक विकेट की जरूरत है। वह अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दो मुकाबलों में अब तक 17 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं जडेजा सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। आपको बता दें दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने टेस्ट करियर में अब तक 62 मैचों की 118 पारियों में 259 विकेट झटके हैं। वहीं वनडे की बात करें तो उन्होंने 171 मैचों में 166 पारियों में 189 विकेट अपने नाम किए हैं और उन्होंने T20 क्रिकेट में अब तक 64 मैच की 62 पारियों में 51 विकेट अपने नाम किए हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के लिए काल साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।